हाजीपुर गांव में बीती 30 सितंबर की रात की गई मां बेटी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मीडिया को बताया है कि घटना में कोई और नहीं बल्कि मृतका के परिवार का ही एक स्मैकिया निकला है, जो मृतक का भतीजा है। चोरी की नियत से वह घर में घुसा और इस दौरान मां बेटी की जाग जाने से घर में रखी कुल्हाड़ी से दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि डबल मर्डर के बाद 5 अलग अलग टीमों को गठित किया गया था, जिसमें नसीराबाद पुलिस समेत स्वाट, सर्विलांस व अन्य टीमें लगाई गई थी, जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी किए गए सामान व आला कत्ल बरामदगी करते हुए हत्यारोपी को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। नसीराबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति जमील नाम के व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके घर में उनकी पत्नी और पुत्री सो रही थी, जिसके दौरान उन दोनों की हत्या किसी व्यक्ति द्वारा कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल 5 टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए इन टीमों को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज थाना नसीराबाद की टीम और SOG टीम द्वारा सैफ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वाली का सगा भतीजा है। पूछताछ पे ये बात सामने आई कि सैफ जो है ये एक नशे का आदि व्यक्ति है और इसकी पुरानी रंजिश इन दोनों परिवार में चल रही थी। इसके क्रम में जब सैफ को ये मालूम चला कि वादी जमील जो अपने घर पे नहीं है, तो इसने ये प्लान बनाया कि घर में घुस के ये वहाँ पर पड़े जो भी पैसे या जेवरात मिलते हैं वो चोरी कर लेगा और उन लोगों की हत्या कर देगा। उसके बाद इसने वो गहने इत्यादि चुरा कर वहाँ से कहीं बेचने चला गया था। आज उसे हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से घर से चोरी किए गए गहने बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ वो शस्त्र जिसका कि इसने अब उपयोग किया था, जो वेपन इसने उपयोग किया था, कुल्हाड़ी उसके पास से बरामद हुई है और इसके कपड़े जिस पर कि खून लगे हुए हैं वो इसके पास से बरामद किए गए हैं। पूछताछ पे इसने ये बताया कि पूर्व की इनकी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इसने इस घटना को अंजाम दिया। सर, कोई पुराना अपराधी किस तरह से इसका? ये पहले एक बार जेल जा चुका है वर्ष 2016 में, इसके पास से कुछ NDPS का सामान बरामद हुआ। सर, आरोपी जैसा कह रहा है कि मैंने 1 लाख में सुपारी ली थी, मुझे पैसा नहीं मिले, दो लोगों का नाम भी बता रहा है कि दो लोग और काम। देखिए, ऐसी बात इसके द्वारा अपने बचाव में कही गई थी। जब इन सब इसके द्वारा इस बताए गए बात को तस्दीक किया गया तो ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आया।